और चिनू कैसा रहा दिन? आज मेरा दिन एक्चुअली में बहुत अच्छा गया। वेलकम टू शारदाज वर्ल्ड, शारदा की दुनिया में आपका स्वागत है। यहाँ पर मैंने कड़ाही में ऑलिव ऑयल ले लिया है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे एक बहुत ही झटपट सी इजी वाली पनीर की रेसिपी शेयर करूंगी, जो लंच बॉक्स के लिए परफेक्ट आइडिया है। तो यहाँ पर 250 ग्राम पनीर ऐड कर दिए हैं। पहले कड़ाही में मैंने ऑलिव ऑयल ले लिए थे। आप चाहे तो घी ले सकते हो, रिफाइंड ऑयल ले सकते हो, लेकिन सफ़ेद तेल में ये सब्जी ज़्यादा अच्छी बनती है, सरसों का तेल नहीं चलेगा। पनीर ऐड करने के बाद एक बड़े से प्याज के स्लाइस कट कर लिए थे, उसको पनीर के ऊपर एडजस्ट कर देने हैं। फिर एक बड़े से टमाटर के भी स्लाइस कट कर लिए थे, उसको भी एडजस्ट कर देंगे। खूब सारा, तकरीबन 30 से 40 कड़ी पत्ता, 2 से 3 बारीक हरी मिर्च, उसको भी उसके ऊपर एडजस्ट कर देंगे। 1/2 इंच ग्रेटेड जिंजर और फिर सारे सूखे मसाले, नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा किचन किंग मसाला 1.5 टीस्पून। आप कोई भी मसाला ले सकते हो अपने पसंद का, मीट मसाला या सब्जी मसाला, और बस ढक के इसको 3 से 4 मिनट तक छोड़ देना है। और 3 से 4 मिनट के बाद बस ढक्कन हटा के इसके अंदर जो टमाटर मैंने ऐड किए थे उसको साइड करके मैश कर देंगे। एक बार इसको मिक्स कर लेना है और अगेन ढक्कन हटा के इसको 1 से 1.5 मिनट तक पका लेंगे। बस सब्जी डन है। बहुत ही इजी क्विक सब्जी की रेसिपी है और यकीन मानिए फ्रेंड्स, बहुत ही मज़े की लगती है खाने में। तो लास्ट में थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स भी मैंने ऐड कर दिए हैं। एक बार मिक्स कर लेंगे, सब्जी डन है और पूरी पराठा के साथ ये खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो सुबह सुबह सरस्वती के लिए मैं लंच बनाने लगी हूँ, तो पनीर की सब्जी मैं आज पराठा के साथ उसको दूंगी। तो 3 पराठा मैंने बेल लिए थे, 2 वो लंच बॉक्स में ले जाएगी और 1 वो खा के जाएगी। और फ्रेंड्स, जब मैं एडिटिंग कर रही थी तो वीडियो की क्वालिटी बहुत ख़राब जा रही है। स्टार्टिंग में मुझे आइडिया ही नहीं लगा, जो मोबाइल ठीक से साफ़ नहीं है और थोड़े से वीडियो जो है ना, क्लिप थोड़े से अच्छे नहीं बने हैं, तो प्लीज़ इग्नोर करना और लास्ट तक ब्लॉग को ज़रूर देखना। तो ये था सरस्वती का आज का लंच, झटपट पनीर साथ में पराठा, और उसको प्लम बहुत पसंद है तो आज फ्रूट में मैंने प्लम्स दिए थे। अभी मैं पराठा को रैप करूंगी फ्रेंड्स, आज सबसे शेयर करना था इसलिए मैंने इसको ऐसे ही रखा है। बाय चुनू। एक ये पौधा और एक ये वाला, पिछले बार आप सबसे शेयर की थी जो मधु दीदी के घर हम गए थे, तो उन्होंने बहुत सारा ऐसा प्लांट दिया था जिसका स्टेम लग जाता है और वही छोड़ के आ गई थी। तो इस बार जो संडे को गई थी ना, तो ये सब प्लांट्स लेके मैं आई थी। ये पौधा, एक तो ये वाला, इसका फ्लावर मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है, तो एक ये लेके आई थी। इसी के साइड में मैंने ये प्लांट लगा दिया है छोटा सा, अभी गमला लेके आऊँगी तो लगाऊंगी, इसको ट्रांसफ़र कर दूंगी। एक ये लेके आई थी और एक में ये प्लांट लेके आई थी, इसको मैंने करवा चौथ का जो ये ना कलश उसमें लगा दिया है। सबसे पहले ये काम कर लेते हैं क्योंकि बारिश का मौसम है, तो सुबह सुबह मशीन नहीं लगा लूंगी तो कपड़ा सूखने में प्रॉब्लम होगा। और ये काम तो ऐसा है जो चाहे गर्मी हो, बरसात हो, जाड़ा हो, शादी हो, ब्याह हो, कभी नहीं रुकता। ये काम तो सबसे पहले करना होता है। तो मशीन भी मैंने लगा दिया है और नाश्ता डन है। बस दिनेश जी का वेट कर रही हूँ, दिनेश जी आएंगे तो चाय पियेंगे, फिर नाश्ता करेंगे। तो चलिए ये सब काम निपटाते हैं फ्रेंड्स और फिर आप सबसे मिलते हैं। छोला ले लिया है यहाँ पर, और फ्रेंड्स मोस्टली मैं या तो जीरो ऑयल छोला बनाती हूँ, और या तो जब हमें खुद खाना होता है, या फिर 1 चम्मच घी के साथ बनाती हूँ। कितनी बार आपसे रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, एक बार फिर से झटपट कर देती हूँ। ये देखिए छोला ले लिया है, तकरीबन 200 ग्राम छोला को ओवरनाइट सोक कर लिया था। 2 आलू हैं, छील के पीसेज में कट कर लिए हैं। 1 बड़ा सा प्याज है, और जब छोला बॉयल हो जाएगा ना तो 2-4 आलू को हम मैश कर देंगे। 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। 3 से 4 इसमें हरी मिर्च ऐड कर देंगे। हरी मिर्च अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट ही ऐड करना है। ऐसे ही होल ऐड कर देंगे, बाद में जब छोला पक जाएगा तो प्याज, 2-4 आलू को, ये 2 टमाटर भी ऐड कर रही हूँ, टमाटर को सबको हम मैश कर देंगे।
सारा कुछ एक साथ देके बॉईल कर लेना है और बाद में एक चम्मच घी डाल के इसको पका लेना है 10 मिनट तक। तो ये देखिए सारे मसाले भी अभी ही ऐड कर दूंगी। नमक, कसूरी मेथी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया जीरा पाउडर मिक्स ले लिया है मैंने 1 टीस्पून, 1 टीस्पून मीट मसाला और काली मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, सारे मसाले ऐड कर देने हैं और थोड़ा सा मैं काला नमक भी ऐड करती हूँ। काला नमक, ब्लैक सॉल्ट, ये देखिए 2 तेज पत्ता, 1 बड़ी इलायची इसमें गिर चुका है, 3 बड़ी इलायची, थोड़ा सा दालचीनी, बस इन सभी चीजों को ऐड करने के बाद इसको फिक्स कर देना है, 4 से 5 व्हिसिल आने तक पका लेना है, जब तक छोला पूरी तरह से पक नहीं जाता। समर के हिसाब से बेस्ट छोला की रेसिपी है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें ज्यादा ऑयल नहीं जाता है। तो मोस्टली अगर पार्टी ना हो, ये पार्टी के हिसाब से छोला की रेसिपी नहीं है, एवरीडे जो हम घर में बनाते हैं कुछ लाइट सा खाने का मन करता है उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो जब भी मुझे घर में बनाना होता है तो मोस्टली मैं यही बनाती हूँ। को यूं चढ़ा देते हैं गैस पे, इसको बॉईल होने देते हैं और इसके साथ मैं बनाऊंगी साग और काला चना का भुजिया। कई बार शेयर कर चुकी हूँ, चौलाई की साग और काला चना का भुजिया बनाऊंगी और बैगन का जुट्टी फ्राई करूंगी। तो छोला को इस साइड ट्रांसफर कर देते हैं और यहाँ मैं कढ़ाई चढ़ा देती हूँ, झटपट से साग और काला चना का भुजिया बना लूंगी। कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल ले लिया है, मेथी का तड़का ऐड करना है, सूखी लाल मिर्च भी ऐड करना है, लेकिन मेरे पास आज नहीं था तो मैंने सूखी लाल मिर्च ऐड नहीं की हूँ, बस लहसुन और हरी मिर्च को कूट के इसमें ऐड कर दिया है। खूब सारा लहसुन लिया था मैंने, थोड़ी देर सौटे कर लेना है और फिर इसमें चौलाई का साग ऐड कर देंगे। 1/2 kg चौलाई का साग है, उसको कट करके अच्छी तरह से वॉश कर लिया था मैंने। चौलाई का साग ऐड कर देंगे, 1 कटोरा चना जाएगा, नमक, हल्दी, मसाले में सिर्फ नमक और हल्दी ही जाएगा और इसको भून भून के पूरी तरह से पकने तक पका लेना है। और हमारे यहाँ सावन में साग नहीं खाया जाता है फ्रेंड्स, लेकिन मैं कभी कभार बना लेती हूँ, लेकिन वैसे सावन में साग हमारे यहाँ नहीं खाया जाता है। आप सब में से किन किन के यहाँ नहीं खाया जाता है साग, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। बैगन की जुट्टी के लिए ये देखिए हरा वाला बैगन ले लिया था, इस तरह से इसमें कट लगा दिया था और फिर इसमें जाएगा 3 टेबल स्पून चावल का आटा। चावल का आटा ऐड करने के बाद 1 टेबल स्पून खसखस ऐड करना है, नमक, हल्दी और जिंजर गार्लिक का पेस्ट। आप चाहो तो जिंजर गार्लिक के पेस्ट को अवॉइड कर सकते हो और उसके बदले में हींग ऐड कर सकते हो। तो मैंने चावल का आटा और खसखस ऐड करने के बाद 1 टेबल स्पून इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किए थे, जिंजर गार्लिक ग्रीन चिली पेस्ट। नमक, हल्दी ऐड करके उसको मैरिनेट करके 1/2 घंटे के लिए छोड़ दिया था। ये देखिए यहाँ पर छोला भी उबल चुका है और बॉइल्ड राइस आज मैं बना रही हूँ। मोस्टली मैं या तो उसना चावल बॉइल्ड राइस बनाती हूँ या फिर ब्राउन राइस, व्हाइट राइस में कम ही यूज करती हूँ। यहाँ पर तेल भी चढ़ा दिया है मैंने और अब बैगन को फ्राई कर लेंगे। और इस रेसिपी को ट्राई करना, क्विक साइड डिश रेसिपी है और दाल चावल के साथ, रोटी दाल के साथ, पराठा के साथ बहुत मजे की लगती है। और बैगन का जुट्टी डन है, छोला भी डन है, इसके अंदर तो 2-4 आलू को, प्याज, टमाटर जो मैंने ऐड किए थे सबको मैंने मैश कर दिया था और 1 चम्मच इसमें मैंने घी ऐड कर दिया है। और ग्रेवी थोड़ी सी पतली है क्योंकि मैंने ज़्यादा मसाला ऐड नहीं किया है, तो इसमें 1 चम्मच जो नॉर्मल गेहूं का आटा होता है ना उसका स्लरी बना के मैंने इसमें ऐड कर दिया है, इससे ग्रेवी में एक बाइंडिंग सी हो जाती है। बस थोड़ी देर पका लिया था 5 से 7 मिनट तक, अगेन लास्ट में खूब सारा गोरियंडर लीव्स ऐड कर दिया था। और चिनू कैसा रहा दिन? आज मेरा दिन एक्चुअली में बहुत अच्छा गया। हाँ आज मेरा थक गई, पानी खत्म हो गया आज मैंने बहुत जल्दी। दो बोतल ले गई फिर भी खत्म हो गया? हाँ, दो बोतल ले गई फिर भी खत्म हो गया, पानी पीने आई हूँ। थोड़ा रिलैक्स हो जा फिर पीना बेटा। हाँ पास में पीती हूँ, कपड़े चेंज करके। जब तक सासवती सावर लेती है फटाफट से मैं उसका थाली लगा देती हूँ, क्योंकि आज के दिन उसके पास बहुत कम टाइम होता है। बस किसी तरह से वो खाना, कहते हैं ना ठूसना, खा लेती है, क्योंकि ट्यूशन वाले जो सर है ना आज के दिन बहुत जल्दी आ जाते हैं, तो लगा के रखूंगी तो झटपट से वो खा लेगी। सबसे पहले सर को शरबत दे देती हूँ, 1 ग्लास पानी और शरबत। थोड़ी देर जब वो रिलैक्स होएंगे फिर चाय बनाऊंगी, क्योंकि काफ़ी गर्मी है। और सर 1.5 घंटा क्लास लेते हैं, तो बीच बीच में कुछ ना कुछ तो
चाहिए ही इतना देर लंबा टाइम पढ़ाते हैं सर। Come to my table, come to my bed, go easy my hunger, easy my head, bringing me fire, bringing me water, taking me high, taking me down. आज तो बिल्कुल भी टाइम नहीं था क्योंकि तकरीबन 2:45 तक सरस्वती आती ही है और सर ऑलरेडी 3:10 तक आने वाले थे, तो झटपट से सरस्वती ने अपना खाना खत्म किया है और चल रहा है अभी उसका ट्यूशन। और आज का ब्लॉग यही तक का फ्रेंड्स, अगर थोड़ा सा भी ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर जरूर करना। अगर आप सब मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। सरस्वती अपना ट्यूशन कर रही है, मैं थोड़ी देर रेस्ट करूंगी। बाय, टेक केयर। आवाज को इग्नोर करना फ्रेंड्स, सर पढ़ा रहे हैं, जैसा कि आप सबने देखा सर पढ़ा रहे हैं, तो प्लीज इग्नोर करना। बाय। इवन इफ यू ट्राई यू